नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में। जैसे दोस्तों आपको पता है कि इस समय इंडिया के बीच में G20 की बैठक चल रही है, जिसके बीच में 9 और 10 तारीख को यहां पर मीटिंग होने वाली थी। इस मीटिंग के बीच में क्या क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपडेट निकल क्या रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पर कुछ बात करी है G20 के बीच में, उस वीडियो क्लिप को भी हम ऐड करेंगे इस वीडियो में, जिसमें आपको वहां से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। साथ में मार्केट में क्या चल रहा है मैं आपको हिंदी में अच्छी सी भाषा में आसानी से समझा दूंगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि गवर्नमेंट क्या चाहती है क्रिप्टोकरेंसी रेगुलेशन को लेकर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा था, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम पे जो मैं नहीं करता तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई कॉल्स आते हैं, अपडेट्स आते हैं, हिंट आते हैं, कोई लेटेस्ट अपडेट्स लेके जो कि मुझे आपको शेयर करनी बताना है, बहुत पहले मैं टेलीग्राम बता दूंगा, जिसको यूज करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो और एक अच्छी अर्निंग बना सकते हैं, तो मस्ट हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 3 प्रोवाइड कर दिया, उन्हीं में से किसी लिंक पर टैप करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। सबसे पहले अगर आप इंटरनेट पर जाकर चेक करोगे क्रिप्टो करेंसी को लेकर हमारे G20 के बीच में क्या क्या अपडेट आ रही है, तो बहुत सी वेबसाइट पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो आर्टिकल पोस्ट करे जा रहे हैं, जैसे बात करिए फर्स्ट पोस्ट हो गया, या फिर आप देख लो कि अदर बहुत सी वेबसाइट है जो कि इस समय मार्केट में चल रही है, जैसे आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस समय ABP हो गया, या फिर BW बिजनेस वर्ल्ड हो गया, इसके साथ में आप देख सकते हैं INC हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया। तो इन सभी जगह पे बराबर जो रेगुलेशन है इसको लेकर ये लोग कवर कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। न्यूज़ कुछ होती है बट उस न्यूज़ को ये लोग बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पे दिखाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे उस चीज़ को गलत तरीके से भी दिखाया जाता है। तो इस समय कुछ कुछ यहाँ पे न्यूज़ वाले ये कह रहे हैं कि मॉनेटरी फंड जहाँ पर जो IMF है, ये जो आप IMF का फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि ये लोग जो है किसी लोगों को जो है लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे कुछ अदर कंट्री को अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो लोग इनसे पैसा ले सकते हैं। तो ये वैसे ही कली वर्ल्ड के बीच में आसपास घूमते हैं। तो यहां पे अगर कोई भी कंट्री के बीच में कोई बड़ा रेगुलेशन को लेकर कोई बिल आता है या फिर कोई बड़ी अपडेट आती है, तो वो लोग यहां पे इनसे एक बार जरूर अपडेट कर पूछते हैं कि यहां पे फाइनेंशियल सेक्शन के बीच में, फाइनेंशियल जो सेक्टर है या फिर ऐसी कोई भी बड़ी अपडेट आती है तो इसके बीच में इनकी भी राय यहां पे लेनी चाहिए, ये यहां पे इनका भी कहना है। फिलहाल यहां पे अगर देखा जाए तो इनका अगर पहले का कुछ अपडेट देखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, तो जो कि IMF की जो टीम है ये हमेशा से क्रिप्टो के रेगुलेशन को लेकर पहले डेट में देखा जाए तो इनका कोई खास ऐसा मोटिव नहीं रहा जिसमें ये रेगुलेशन को लेकर बात करें या फिर इसकी कोई बड़ी अपडेट को लेकर बात करें। पर करंटली अगर देखोगे तो कुछ वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ इंटरनेट पे जाके आप सर्च भी करोगे तो आपको चीजें देखने को मिलेंगी, जहां से पता चलता है कि यहां पे ये भी अब ये कहना स्टार्ट कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को फुल्ली यहां पे बैन नहीं किया जा सकता। इसको आप सोचोगे कि यहां पे कंप्लीट बैन किया जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा यहां पे रिसेंटली IMF भी बोल रहा है। इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो FSB, तो ये लोग तो अभी फिलहाल इस मीटिंग बीच में नहीं आए थे G20 के बीच में, पर इनकी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है कि इनकी महत्ता उतनी ज्यादा शायद नहीं रह सकती इस चीज को लेकर। फिलहाल यहां पे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने यहां पे क्या बोला है क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को लेकर, पहले उस चीज को आप देख लीजिए। अंडर द इंडियन प्रेसिडेंसी एंड अ ग्लोबल कंसेंसस इज इमर्जिंग ऑन द सेम, द प्रेसिडेंसी विल सपोर्ट द IMF एंड द FSB इन, एंड FSB इज ऑल्सो सेटिंग the contours of the regulatory framework for a globally coordinated approach to crypto assets. So the presidency, with the support of IMF and the FSB, is setting these contours. The IMF and FSB synthesis paper, about which I've spoken to the media earlier, including a roadmap. On that, I just want to give my observation. This synthesis paper delves into how the policy and regulatory frameworks developed by the IMF and the FSB, alongside the other standard-setting bodies, will fit together and interact with each other. This paper is now available in the public domain for all of you all to see. The third one, which I'd like to draw your attention to, is the financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure. तो आई होप दोस्तों आपने यहाँ पे पूरा देख लिया होगा, जिसके बीच में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका क्या कहना है। अब इस चीज को लेकर तो आप ऑलरेडी समझ गए हैं। अब यहां से एक चीज देखने को मिल रही है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इनका कहना है कि जो रोड मैप है या फिर क्रिप्टो बिल को लेकर जो चीजें हैं, इस चीज को अब अच्छे से हम देख रहे हैं यहां पर, इस चीज को लेकर जल्द से जल्द इस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगर आप इस चीज को पूरा समझोगे तो G20 के बीच में अभी तक जो 9 तारीख तक मीटिंग में अपडेट आया है, इसमें कुछ भी बड़ा यहां पर अपडेट नहीं आया जिसमें रेगुलेशन को लेकर कोई खास जगह दी जाए या फिर कोई बड़ी बात करी जाए। अभी सिर्फ उधर चीजों को लेकर बात करेगी
लगी है, और कुछ इंटरनेट की अगर सोर्सेज की जानकारी के बारे में पता करा जाए जो वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं, इनके द्वारा तो यही कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी पे जो रेगुलेशन है या फिर क्रिप्टो करेंसी के जो अपडेट है कि भाई बिल पे क्या क्या आने वाला है या फिर नहीं आने वाला, तो इसके बीच में मनी लॉन्ड्रिंग या फिर ये एक्टिविटी पे ज़्यादातर खास यहाँ पे जो है नियम बनाए जाएंगे जो कि कड़े नियम होंगे। इस नियम के अंदर अंदर में सारा कुछ यहाँ पे रहेगा। तो इसको लेकर इस समय बहुत सी जगह पे आपको आर्टिकल देखने मिल जाएंगे। INC जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बहुत सी वेबसाइट छापते रहते हैं, तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में भी उतना ज़्यादा खुलकर नहीं आया है। पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका जो मेन बोलने का तरीका था उसमें से उन्होंने AI और यहाँ पे क्रिप्टो को लेकर खास करके बात करी है कि इस पर जो है बहुत जल्दी जो है रोड मैप और साथ साथ में इसके रेगुलेशन को लेकर जो सीन है ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखना ये होगा कि क्या अपडेट आती है। बाकी आज के दिन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आज है 10 तारीख और 10 तारीख को भी यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है G20 की, तो क्योंकि 2 दिन चलने वाली थी, अब कल हुई तो और आज देखते हैं क्या होता है और आज की डेट में क्या क्या सीन देखने को मिलता है। फिलहाल कल वाली ये अगर न्यूज़ को देखा जाए तो उतना ज़्यादा कुछ खुलकर नहीं आया जिसमें कुछ अदर बंदे ने बात करी हो, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिप्टो को लेकर बात करी है। इसके साथ में अगर देखोगे कुछ अदर कंट्री के लोगों ने बात नहीं करी है, ना ही हमारे जो इंडिया के बीच में अपना प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, इन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं बात करी इस चीज़ को लेकर। इससे पहले उन्होंने कुछ अदर जगह बात करी थी क्रिप्टो करेंसी को लेकर, बट फाइनली जो है यहाँ पे G20 मीटिंग के बीच में कल उनके द्वारा कोई ऐसा अपडेट नहीं आया। तो देखना ये होगा कि आज के डेट में शायद हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ बड़ा अपडेट करें या फिर कोई बड़ी अपडेट आए जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाई आखिरकार क्रिप्टो मार्केट को लेकर गवर्नमेंट किस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू देखती है और उनके मन में क्या चलता है क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को लेकर, या फिर वो लोग किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं। तो इसका अपडेट आपको जल्दी देखने मिल जाएगा, जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल अभी डेट में देखा जाए तो जो अभी तक चल रहा है जो इस समय G20 तक अगर देखा जाए तो जैसे पहले था सेम टू सेम इस समय वैसे यहाँ पे चल रहा है, कोई खास यहाँ पे चेंजेस नहीं आए हैं। तो यही सारा कुछ अपडेट है। फिलहाल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करता आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जो नहीं करता आप कर सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट को लेकर कॉल्स आती है, अपडेट्स आते हैं, हिंट आते हैं, कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी है बताना, मैं बहुत पहले टेलीग्राम पर बता दूंगा, जिसको यूज करके आप क्रिप्टो से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।